निर्मल नो हो अभिगम, कल्याण हो छात्र नो हरदम। उच्च अभ्यास नो शिक्षण धाम, महर्षि गुरुकुल, महर्षि गुरुकुल, महर्षि गुरुकुल, महर्षि गुरुकुल। Hello kids, so now we are going to learn 5 and 6 digit numbers of addition with carryover. Okay, in the previous class we learned without carryover addition, so now we will going to learn with carryover addition. So first yahan pe hum kya karenge, yahan pe jo number hai first usko hum ठीक है अरेंज करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे हम 5 डिजिट के नंबर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं कि 3 2 5 6 9 प्लस 4 3 2 1 9। सो फर्स्ट वी अरेंज दिस नंबर इन वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड 10,000। सो फर्स्ट यहाँ पे हम नंबर को उसको अरेंज कर लेंगे। 32,569 प्लस 43,219, ठीक है। देन अंडरलाइंड बिलो द नंबर। सो फर्स्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब टू डिजिट यहाँ पे हमें नंबर टू नंबर दे रखे, सो वी स्टार्ट फ्रॉम द वंस प्लेस। सो इन वंस प्लेस देर इज अ 9 एंड 9 आर गिवेन। सो 9 वंस प्लस 9 वंस, सो 9 प्लस 9 18, so 18 is a two digit number, ठीक है। 18 कैसा number है, two digit number। With carryover में क्या करना होता है कि जब कोई भी दो digit को जब हम add करते हैं, ठीक है, और answer हमें कैसा मिलता है, two digit में answer जब हमें two digit में मिलता है तो हम क्या करते हैं, ones जो यहाँ पे दे रहा, it means 8, so keep the 8 at ones place and one carry to the tens place। So 8, 9 plus 9, 18. So write 8 at ones place and 1 carry to the tens place. ठीक है, 18 का 18 वहां पे नहीं लिखना होता है। So 8 को हम क्या करेंगे, ones place पे लिखेंगे और यहाँ पे 1 को tens place पे हम carry करके लेके जाएंगे। So अब यहाँ पे 1, 6, 1, तो फर्स्ट हम ये दो डिजिट को एड करेंगे, 6 plus 1 and 1, so 6 plus 1 is 7 and 7 plus 1 is 8, ठीक है। तो हम पहले दो को भी ऐड करेंगे, 6 plus 1 7, then add carried number, it means कौन सा नंबर है, 1, so 6 plus 1 7 plus 1 8, so 8 is a single digit number, तो वहां पे अब आगे कैरी होगा नहीं होगा, ठीक है। तो 6 plus 1 7 plus 1 is 8, तो वहां पे 8 as it is आ जाएगा, वहां पे अब कैरी नहीं होगा। देन नेक्स्ट नंबर 100 प्लस, सो 5 plus 2 7, सो 7 इज आल्सो सिंगल डिजिट नंबर, नो नीड टू कैरी नेक्स्ट। देन 3 plus 2 5 एंड 3 plus 4 5, ठीक है। सो आवर सम इज 45,788। देन नेक्स्ट यहाँ पे हम नेक्स्ट नंबर ले रहे, 6 3 4 9 5 प्लस 2 7 6 4 5, सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, वी अरेंज दिस नंबर इन कॉलम, सो 6 3 63,495 प्लस 27,645। सो फर्स्ट हम स्टार्ट कहां से करेंगे, वी स्टार्ट फ्रॉम द वंस प्लेस, सो लेट्स स्टार्ट 5 plus 5, so 5 plus 5 are 10, so 10 it means two digit number, so keep the 0 at ones place, जो 10 में 0 है उसको हम क्या करेंगे, ones place पे रखेंगे and 1 carry to the tens place, ठीक है। जब दो number को हम क्या करेंगे, जब plus करेंगे, जब answer हमारा two digit में आता है तो ones जो है उसको हम ones place पे रखेंगे और आगे जो टेंस प्लेस है उसको हम कैरी करके नेक्स्ट प्लेस पे रखेंगे। सो कीप द 0 एट वंस प्लेस एंड 1 कैरी टू द टेंस प्लेस। नाउ देयर इज अ 1 9 एंड 4, सो 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4
14, so 10 plus, ठीक है, फर्स्ट हमने 9 plus 1 क्या किया, 10, and 10 plus 4, 14 आया, so again हम क्या करेंगे, 14 is a two digit number, so keep the 4 at 10th place and 1 carry to the 100th place, again जब यहाँ पे 4 digit, 14 कितने digit का है, 2 digit का है, तो again हम क्या करेंगे, 4 को हम 10th पे रखेंगे and 1 carry to the 100th place. So now 4 plus 1, so first we add these two numbers, 4 plus 1, 5, and 5 plus 6, 5 plus 6, 11. So again, keep the 1 at 100 place and 1 carry to the 1000 place. Okay, jab 11 aaya, next ka humne add kiya to, so wapas hum kya karenge, 1 ko wahan rakhenge 100 place pe, aur ek 1 ko hum 1000 place pe, कैरी करेंगे. सो नाउ देर इज अ 3, 1 एंड 7, 1, 3, 7. सो 3 प्लस 1, 4 एंड 4 प्लस 7, 11. सो अगेन 11 इट मीन्स 1 कीप द 1s एट 1000 प्लेस एंड 1 कैरी टू द 10,000 प्लेस. सो नाउ एड दिस 3 नंबर 6, 1 एंड 2. सो 6 प्लस 1, 7 एंड 7 प्लस 2, 9. So we get 91,140 as a sum. ठीक है, तो carry over में हम क्या करते हैं, ones का carry हम कहाँ करते हैं, tens place पे. 10 का carry कहाँ जाएगा, from 100 place, then 100 का carry कहाँ जाएगा, 1000, और 1000 का कहाँ carry लेके जाएंगे हम, 10,000. ठीक है, हमेशा ones place से आगे हमें forward जाने, ठीक है, आगे से कभी addition start नहीं होता है. ठीक है, चलो लेट्स डू वन मोर एग्जांपल. ठीक है, नंबर फर्स्ट इज 53,984 प्लस 27,643. सो फर्स्ट वी अरेंज दिस ऑल डिजिट इन कॉलम. 53,984 प्लस 27,643. So first we start from the ones place. So 4 plus 3. So 4 plus 3 we get 6. 5, 6, 7. So 7 is a single digit number. It means 4. यहाँ पे ones का carry tens पे जाएगा? नहीं जाएगा. Because यहाँ पे जब दो digit को हमने add किया, तो answer क्या मिला हमें? 7. It means single digit हुआ 7. तो वहाँ पे हमें carry नहीं करना है. Carry कब करते हैं? When we get a sum in a two digit number. So next now we'll proceed towards 10th place. So there is a 8 and 4. So 8 plus 4. So 9, 10, 11, 12. So keep the 2 at 10th place and 1 carry to the 100th place. Then next kya karenge? 9 plus 1, 10 and 10 plus 6, 16. So keep the 6 at 100th place and 1 carry to the 1000th place. Then next is 100,000 place pe number is 3 and 4, 3 and 1 and 7. So 3 plus 1 is 4 and 4 plus 7, 11. So 11 hai, 1 keep at the 1000 place and 1 carry to the 10,000 place. So now there is a 5, 1 and 2. So 5 plus 1, 6, 6 plus 2, 7, 8. So we get 81,627. Numbers 5 digit ke carry over. Okay? So ab hum yahan pe karenge 6 digit addition.
सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ठीक है, वी अरेंज दिस नंबर इन अ कॉलम. सो 135,246 प्लस 227,690, ठीक है. मैं अंडरलाइन यहाँ पे नंबर के नीचे हम करेंगे. सो अब यहाँ पे हमने उसको अरेंज कर लिया है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 एंड लैख. इट मीन्स कितने डिजिट हो गए टोटल, 6 डिजिट हो गए. सो लेट्स काउंट, ठीक है, फ्रॉम दी वंस प्लेस. सो 6 + 0, सो इट मीन्स 6 + 0 मीन्स कितना होगा, 6, बिकॉज 0 इज अ गिवन. तो यहाँ पे जब डिजिट यहाँ पे वन डिजिट आया तो यहाँ पे कैरी होगा, नहीं होगा, बिकॉज 6 इज अ वन डिजिट नंबर. देन नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स टेंस प्लेस. सो 9 + 4 या तो 4 + 9 करेंगे हम. सो 9 + 4 करेंगे, देन 10, 11, 12, 13. सो कीप द 3 एट टेंस प्लेस एंड 1 कैरी टू द 100 प्लेस. ठीक है, दो यहाँ पे जब इसका आंसर कितना आया 13, तो यहाँ पे हम सिर्फ 3 रखेंगे और 1 को हम नेक्स्ट प्लेस पर कैरी करेंगे. देन नेक्स्ट है 2 + 1, 3 एंड 3 + 6, 9. सो 9 कैसा डिजिट है, सिंगल डिजिट नंबर है, तो वहां पे कैरी होगा, नहीं होगा. ठीक है, 1 से लेकर 9 तक में कोई भी नंबर को जब ऐड करते हैं तो 1 से लेकर 9 तक के डिजिट में कैरी होगा, नहीं होगा. सारे कैसे नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये सारे सिंगल डिजिट नंबर. फ्रॉम द 10 ऑनवर्ड्स सारे 2 डिजिट के नंबर, 10 से लेकर 99 तक. देन नेक्स्ट हम करेंगे 5 + 7. सो 5 + 7 कितना आया, 12. सो कीप द 2 एट 1000 प्लेस एंड 1 कैरी टू द 10,000 प्लेस. 1 को कहाँ कैरी करेंगे, 10,000 प्लेस पे. ठीक है, 12 जब आया तो 12 का सिर्फ 2 ही हम यहाँ पे रखेंगे, 1 आगे कैरी हो जाएगा. देन 3 + 1, 4 एंड 4 + 2, 6. तो 6 कैसा नंबर है, सिंगल डिजिट है, तो आगे कैरी होगा, नहीं होगा. देन 1 + 2, सो 1 + 2 इज 3. सो 3,62,936. ठीक है, चलो लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल. 5,64,875 + 3,60,294. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, नंबर को अरेंज कर लेंगे नंबर को. सो 5,64,875 + 3,60,294. अब यहाँ पे हम नंबर क्या करेंगे, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द वंस प्लेस काउंट करेंगे. सो 5 + 4, सो 5 + 4, 9. सो 9 कैसा नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर, इट मीन्स वहां पे हम कैरी नहीं होगा. देन नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स द 10 प्लेस. सो 7 + 9 या तो 9 + 7, सो 9 + 7 16. तो 16, इट मीन्स 16 जब आया तो हम 6 कहाँ रखेंगे, द 10th प्लेस एंड 1 कैरी टू द 100 प्लेस. देन नेक्स्ट है 8 + 1, 9 एंड 9 + 2, तो 10, 11. सो अगेन जब 11 आया तो क्या करेंगे, 1 को हम यहाँ पे रखेंगे और आगे जो 1 है उसको हम कैरीड करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट नंबर. देन 4 + 1, 5. सो 5 इज अ सिंगल डिजिट नंबर, ठीक है, तो वहां पे हम कैरी करेंगे, नहीं करेंगे. देन नेक्स्ट नंबर इज 6 + 6 गिवन. सो 6 + 6, 12 कितना होता है, 12. सो कीप द 2 एट 10,000 प्लेस एंड 1 कैरी टू द लैक. देन 5 + 1, 6, 6 + 3, 7, 8, 9. सो वी गेट 9,25,169. ठीक है, ये थे हमारे 6 डिजिट एडिशन.
फाइव डिजिट और सिक्स डिजिट जब दोनों दे रखा हो साथ में लाइक दिस के, ठीक है, 3,52,496 प्लस 37,845, इट मीन्स वन डिजिट कैसा है, फाइव डिजिट है और यहाँ पे एक फाइव डिजिट और एक सिक्स डिजिट, जब उसको हम अरेंज कर रहे हो, ठीक है, सो फाइव डिजिट इज ऑलवेज स्मॉलर देन सिक्स डिजिट नंबर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिजिट फाइव और यहाँ पे डिजिट सिक्स है, तो फाइव डिजिट हमेशा कैसा रहेगा, इससे स्मॉलर रहेगा फाइव सिक्स डिजिट से, तो जब उसको हम अरेंज करें लाइक 3,52,496 प्लस, तो यहाँ पे जो नंबर दे रखा है 37,000, सो वी स्टार्ट फ्रॉम दी वंस प्लेस, बिकॉज तुम आगे से 3,7,8,4,5 लिखेगा तो यहाँ पे वंस प्लेस खाली रहेगी, ठीक है, तो वो हमारा लिखने का मेथड कैसा है, रॉन्ग होगा, सो वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड 10,000, 5,000 या फाइव डिजिट में 10,000, लेख में एक डिजिट ऐड होता है, तो इसको ऐड करे तो ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है, सो यहाँ पे हम अब ऐड करेंगे 6 + 5 = 11, 6 + 5 कितना हुआ 11, सो कीप द वंस एट वंस एंड वन कैरी टू द टेंस प्लेस, सो नाउ 9 + 1 = 10 एंड 10 + 4 = 14, सो 14 में हम अगेन क्या करेंगे, कीप द फोर एट टेंस एंड वन कैरी टू द नेक्स्ट, इट मीन्स 100 प्लेस पे करेंगे नेक्स्ट कैरी, सो नाउ 4 + 1 = 5 एंड 5 + 3 = 5 + 8 = 13, सो अगेन क्या करेंगे हम, कीप द 3 एट 100 प्लेस एंड 1 कैरी टू द 1000 प्लेस, सो नाउ 2 + 1 = 3 एंड 3 + 7 = 10, सो अगेन क्या करेंगे, कीप द 0 एट 1000 प्लेस एंड 1 कैरी टू द 10,000 प्लेस, 5 + 1 = 6 एंड 6 + 3 = 7, 8, 9, सो 9 इज अ सिंगल डिजिट नंबर, तो वहां पे हमें कैरी करने की जरूरत नहीं है, सो कीप द डाउन 3 एज इट इज, बिकॉज 3 के नीचे कोई नंबर नहीं है, उसी को हम वैसे ही नीचे कैरी डाउन करेंगे, ठीक है, सो 3,90,341, ठीक है, और यहाँ पे हम करते हैं एग्जाम्पल 5 डिजिट एंड 6 डिजिट, 4,39,687 प्लस 228,524, सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, दोनों डिजिट को ऐड करेंगे, सो 7 + 11, सो कीप द वन एट वंस प्लेस एंड वन कैरी टू द टेंस प्लेस, देन नेक्स्ट 8 + 1 = 9, 9 + 2 = 11, सो अगेन 11, इट मीन्स अगेन वन कीप द टेंस एंड वन कैरी टू द 100 प्लेस, 6 + 1 = 7 एंड 7 + 5 = 12, सो अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, कीप द 2 एट 100 प्लेस एंड 1 कैरी टू द 1000 प्लेस, 9 + 1 = 10 एंड 10 + 8 = 18 आया, सो क्या करेंगे हम, कीप द 8 एट 1000 एंड 1 कैरी टू द 10,000 प्लेस, 3 + 1 = 4 एंड 4 + 2 = 6, तो 6 यहाँ पे एज इट इज रखेंगे, वहां पे नंबर कैरीड होगा नहीं होगा, बिकॉज 6 इज अ सिंगल डिजिट नंबर, सो कैरी डाउन 4 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, बिकॉज नीचे कोई नंबर है नहीं, इट मीन्स वहां पे ऐड नहीं करना है, सो 4,68,211, तो ये थे हमारे टू नंबर्स के एडिशन, कितने नंबर इसमें, टू नंबर, सो यहाँ पे अब हम करेंगे थ्री नंबर एडिशन, ठीक है, एडिंग थ्री और मोर नंबर, ठीक है, 3,32,462, 14,375, 24,385, कितने नंबर्स हो गए, 1, 2 एंड 3 नंबर, तो 3 नंबर यहाँ पे हम ऐड करते हैं, तो सेम किसके जैसा है, जैसे हमने 2 डिजिट में ऐड किया सेम वैसे ही ये ऐड करना,
बट यहाँ पे नंबर कितने, थ्री नंबर है। सो फर्स्ट वी एड दिस टू नंबर, ठीक है, पहले हम ये दो नंबर को एड करेंगे, देन उसके साथ हम नेक्स्ट नंबर एड करेंगे। सो फर्स्ट से कि 2 + 5, या तो कैसे है, या तो पहले हम ये दो डिजिट को भी ऐड कर सकते हैं और उसको हम नेक्स्ट टू डिजिट टू नंबर उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट यहाँ पे हम ये दो नंबर ऐड करेंगे, सो 2 + 5 = 7, ठीक है, 2 + 5 कितना आया, 7, एंड 7 + 5 अब करेंगे, पहले ये दो नंबर का जो आंसर है उसके साथ हम नेक्स्ट नंबर हमारा ऐड करेंगे, सो 2 + 5 = 7, एंड 7 + 5 = 12। सो अगेन क्या करेंगे, keep the 2 at once and 1 carry to the next place. So first ये दो add करेंगे, then next number add करेंगे. So 6 + 1 = 7, 7 + 7 = 14, and 14 + next क्या करेंगे हम, 8, ठीक है, पहले ये दो add किया, उसके next हमने 7 add किया, then next हमने क्या add किया, 8. So 14 + 8 = 22, 14 + 8 कितना आया, 22. So keep the 2 at tens and 2 carry to the 100 place. ठीक है, 22 it means एक नंबर यहाँ रखेंगे और next को हम बाजू में carry कर देंगे. So now 2 + 4 = 6, 6 + 3 = 9, 6 + 3 = 9, and 9 + 3 again करेंगे. So 9 + 3 = 12. So keep the 2 at here and 1 carry to the next number. So 2 + 1 = 3, 3 + 4 = 7, and 7 + 4 = 11. So keep the 1 at here and 1 carry to the next number. Then next again add karenge, 3 + 1 = 4, 4 + 1 = 5, and 5 + 2 = 7. So 71,222 is our sum. चलो नेक्स्ट यहाँ पे हम अगेन एक एग्जांपल्स लेंगे थ्री डिजिट का, ठीक है, थ्री नंबर्स ऑफ 6 digit. कितने डिजिट यहाँ पे हो गए हमारे, 6 digit, बट नंबर कितने, 3. सो फर्स्ट इज 3,37,482. Then next is 1,48,051. Zero को वहाँ पे, it means zero is an 100 place. So वहाँ पे हम उसको read नहीं करेंगे. It means we read 51. Then next is given 2,65,846. So now इसको हम क्या करेंगे, अब add करेंगे. So first term दो नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे, दिस टू, 2 + 1 = 3, एंड 3 + 6 = 9. सो 9 का यहाँ पे क्या रहेगा, 9 एज इट इज, कैरिड होगा नंबर, नहीं होगा नंबर वहां पे कैरिड. सो नेक्स्ट यहाँ पे नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स टेंथ प्लेस. सो 8 + 5 = 13, 8 + 5 कितना हुआ, 13, एंड 13 + 4, ठीक है, पहले दो नंबर को ऐड कर लिया हमने. सो 13 + 4 = 17, so keep the 7 here and 1 carry to the next place. 4 + 1 = 5, and 5 + 8 = 13, so keep the 3 at here and 1 carry to the 1000 place. 7 + 1 = 8, 8 + 8 = 16, 8 + 8 कितना हो गया, 16, and 16 + 5 = 21, so keep the 1 at here and 2 carry to the next place. 3 + 2 = 5, 5 + 4 = 9, ठीक है, 5 + 4 कितना आ गया वहां पे, 5 + 4 = 9, एंड अगेन हम क्या करेंगे, 9 + 6, सो 9 + 6 = 15 आ गया. सो कीप द 5 एट हियर एंड 1 कैरी टू द नेक्स्ट प्लेस. 3 + 1 = 4, 4 + 1 = 5, एंड 5 + 2 = 7, सो वी गेट 7,51,379. तो ये था हमारा 5 digit एंड 6 digit विथ कैरी ओवर एडिशन ऑफ 2 numbers एंड 3 numbers. सो यहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट, वी लर्न फाइंडिंग मिसिंग डिजिट.
finding missing digits. कि एडिशन हमें पता चल गया कि कैसे करना है, बट अगर कोई नंबर मिसिंग है बीच में तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है. सो लेट्स डू इट. ठीक है, सो यहां पे पहले हम सिंपल एक एडिशन कर लेते दैट सो 1 + 1 = 2, 4 + 6 = 10, सो 1 कैरी करेंगे, 2 + 1 = 3 एंड 3 + 4 = 7, 3 + 2 = 5 एंड 5 + 3 = 8. ठीक है, हमने ऐड कर लिया है. बट अगर मान लो कि यहाँ पे बीच में कोई डिजिट मिसिंग है, ठीक है, तो उसको कैसे फाइंड आउट करने, तो यही सम लेके उसको हम पहले एक बार कर ले. यहाँ पे की थी 5, देन यहाँ पे हमने मिसिंग नंबर दे रखा है 2, देन अगेन मिसिंग एंड 1 इज गिवन, प्लस 3, 2, देन 4, 6 एंड मिसिंग, देन यहाँ पे नंबर दे रखा है. ठीक है, सो फर्स्ट यहाँ पे नंबर दे रखा है 2, हियर इज 0. ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे नंबर मिसिंग है, देन नंबर यहाँ पे दे रखा है 5 और यहाँ पे नंबर मिसिंग है. जहां पे हमने क्वेश्चन मार्क किया वो नंबर हमारा कैसे मिसिंग है. ठीक है, तो मिसिंग डिजिट हमें कैसे फाइंड आउट करने, हाउ फाइंड मिसिंग डिजिट. तो फर्स्ट यहाँ पे हमें दे रखा है 1 क्वेश्चन मार्क एंड आंसर इज गिवन 2. तो यहाँ पे फर्स्ट है कि 1 में हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे, सो वी गेट अ स्मॉलर नंबर, यहाँ पे जो हमारा एडेड है वो हमें मिलेगा. तो 1 में कितने नंबर हम ऐड करेंगे, इट मीन्स वी गेट 2. तो यहाँ पे जब बीच वाला नंबर यहाँ पे हमारा मिसिंग है, ठीक है, तो हम वहां पे क्या करेंगे, 2 - 1, सो वी गेट 1. अगर यहाँ पे 2 हमें जब आंसर दे रखा है वहां पे और उसमें से जब हम 1 माइनस करेंगे, इट मीन्स वहां पे कितना नंबर मिलेगा हमें, 1. तो यहाँ पे जो हमारा नंबर होगा वो कौन सा होगा, 1, बिकॉज 1 + 1 = 2 आंसर आ गया. नेक्स्ट यहाँ पे नंबर दे रखा है 6 और यहाँ नंबर दे रखा है 4, सो इट मीन्स यहाँ नंबर कौन सा होगा, तो 6 इज गिवन. ठीक है, मिसिंग नंबर पता है नहीं और यहाँ पे हमें आंसर दे रखा है 0. तो 6 में कौन सा नंबर यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो उसको आंसर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलता है. इट मीन्स 0 इज अ स्मॉलर देन 6. ठीक है, 0 कैसा है, 6 से स्मॉलर है. इट मीन्स यहाँ पे हम नंबर कौन सा ऐड करेंगे तो वहां पे हमें 0 आंसर. इट मीन्स तो 6 में हम कितना नंबर ऐड करेंगे, 7, 8, 9, 10, इट मीन्स कितने नंबर ऐड करेंगे, 4. तो 6 + 4 = 10 आया था. सो यहाँ पे फर्स्ट राइट एट 4 ईयर, सो 6 + 4 इट मीन्स 10. सो कीप द 0 एट हियर एंड 1 कैरी टू द नेक्स्ट नंबर. नेक्स्ट नंबर पे यहाँ पे ऐड कर देंगे, सो 2 + 1 = 3 एंड 3 + 4 = 7, सो राइट एट 7 हियर. देन नेक्स्ट नंबर अगेन कौन सा नंबर मिसिंग है, सो 2 इज गिवन एंड 5 इज ऑल्सो गिवन. तो हमें जब नंबर ये वाला फाइंड आउट करना है ये वाला, तो उसमें हम क्या करेंगे, 5 - 2, सो वी गेट अ 3. सो 3 इज अवर मिसिंग नंबर, 3 इज अवर मिसिंग नंबर. देन नेक्स्ट इज 5 + 3 इज ऑलरेडी गिवन. ठीक है, दोनों नंबर यहाँ दे रखे, इट मीन्स ये दो नंबर को एड करेंगे, इट मीन्स वहां पे हमें सम मिलेगा. सो 5 + 3 = 8. तो जब मिसिंग नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो मेन ध्यान जब दे ये वाला फर्स्ट नंबर, अगर हमें फर्स्ट एडेड फाइंड करना है तो यहाँ जो नंबर दे रखा है उसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने किया ये वाला दो डिजिट, ये वाला 2 and 5 आर गिवेन, इट मीन्स यहाँ ये वाला नंबर मिसिंग है. तो 5 में से जब तुम 2 माइनस कर लोगे तो वहां पे हमें क्या आंसर मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा. 3 + 2 करो तो 5 आंसर आता है. देन नेक्स्ट जब यहाँ पे ए वाला डिजिट मिसिंग है हमारे, ठीक है, फर्स्ट ए वाला, इट मीन जब यहाँ नंबर दे रखा है तो वो दोनों को हम क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे नंबर कैसा है, ये वाला स्मॉलर है, इट मीन 6 में कितना नंबर ऐड करेंगे तो हमें वहां पे नेक्स्ट नंबर मिलेगा. तो 6, 7, 8, 9, 10, इट मीन 4 इज अवर मिसिंग डिजिट. ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल्स लेते हैं. ठीक है, 4, 2, यहाँ पे हम नंबर ले रहे 4, 2,
then missing digit 6 and 3 given, then take a missing digit A, then 8, then number is 3, then missing digit and 5 are given. ठीक है, नंबर यहाँ पे मिसिंग दे रखे हैं, तो फर्स्ट यहाँ पे हमें नंबर दे रखा है 3 and 5, इट मीन्स यहाँ नंबर एक मिसिंग है, देन नेक्स्ट नंबर है 6, देन क्वेश्चन मार्क एंड 3 इज गिवन हियर. ठीक है, इट मीन्स यहाँ नंबर ये वाला मिसिंग है. देन नेक्स्ट वन है 100 प्लस मिसिंग डिजिट है, 3 इज अ गिवन एंड हियर 9 एज अ सम में दे रखा है. देन नेक्स्ट 2 and 8 इज गिवन, देन नीचे यहाँ पे नेक्स्ट नंबर मिसिंग है, देन 4 क्वेश्चन मार्क एंड आंसर इज गिवेन 8. तो यहाँ पे नंबर हम फाइंड आउट करेंगे मिसिंग डिजिट. सो 3 plus 5, इट मीन्स यहाँ दोनों जब डिजिट दे रखे हैं, इट मीन्स नेक्स्ट नंबर हम यहाँ वाले फाइंड करना है, तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस. सो 3 plus 5 वी गेट 8, सो 8 इज अवर मिसिंग डिजिट. देन नेक्स्ट हमें दे रखा है 6, देन क्वेश्चन मार्क एंड 3 इज गिवेन, सो 6 इज अ स्मॉलर देन 3. 6 कैसा है, ठीक है, यहाँ पे नंबर मिसिंग है और 3 हम यहाँ पे आंसर दे रखा है, तो 6 में हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे जिसमें हमारा नेक्स्ट थर्ड इट मीन्स 3 आएगा. नंबर 3 इज अ स्मॉलर, इट मीन्स यहाँ पे आंसर कैसा होगा यहाँ पे नेक्स्ट, तो 6 में कितना नंबर ऐड करोगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पे 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 6 7 8, कितना ऐड, 7 ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे 7, तो यहाँ पे जो हमारा मिसिंग डिजिट है वो कौन सा है, 7, 6 plus 7, सो वी गेट 13. सो कीप द 3 एट 2 टेंस एंड 1 कैरी टू द नेक्स्ट डिजिट. सो नाउ 1 and 3, सो 1 and 3, सो वी गेट 4. ठीक है, 4 होता है दोनों को मिला के, आंसर कौन कितना दे रखा मैं वहां पे, 9 इज गिवन हियर, सो 9 minus 4 वी गेट अवर मिसिंग डिजिट. So, 9 में से अगर 4 हम माइनस कर रहे हैं, so वहां पे हमें कौन सा नंबर मिलेगा, 5. सो 5 इज अवर मिसिंग डिजिट, 5 plus 1 6 एंड 6 plus 3 7 8 9, इट मीन्स 9 आ गया यहाँ पे हमारा. देन नेक्स्ट 2 plus 8 इज गिवन, इट मीन्स यहाँ पे नंबर जब हमें फाइंड आउट करना है तो ये दोनों को क्या कर लेंगे, हम एड कर लेंगे, सो 2 plus 8 10, सो कीप द 0 8 हियर एंड कीप, ठीक है, कैरी टू द नेक्स्ट नंबर. देन 4 plus 1 5, ठीक है, 5 दे रखा है, इट मीन्स 4 plus 5 एंड आंसर इज गिवेन 8. आंसर कितना दे रखा है, 8 गिवेन है, तो हम क्या करेंगे, 8 minus 5, सो वी गेट अवर मिसिंग डिजिट. 8 में से अगर 5 माइनस कर रहे हो तो कितना आएगा, 3. सो 3 इज अवर मिसिंग डिजिट, 4 plus 1 5 6 7 8, यहाँ पे आ रहा था हमारा मिसिंग डिजिट.